अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज हम लोगों ने CNS मेडिसिन जो है उसका ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है, और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQ आते रहते हैं। सो वो भी मैं एंड पे आप लोगों को बता दूंगी। सो बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम जो है हम जो है यहाँ पे कुछ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के डिजीज़ पढ़ेंगे और एक पेरीफ्रल डीमायलिनेटिंग डिजीज़ भी पढ़ेंगे। सो बेसिक आपने याद रखना है बेटे कि हमने मायस्थीनिया ग्रेविस पढ़ना है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें होता क्या है, मैं भी अभी डिस्कस करती हूँ। उसके बाद नंबर टू जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, और नंबर थ्री जो चीज़ हमने पढ़नी है उसको कहते हैं गुलियन बारी सिंड्रोम या गुलियन बारे सिंड्रोम या गुलियन बारी सिंड्रोम या वॉट एवर। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मस्कुलर वीकनेस होती है, मस्कुलर वीकनेस उसका पैटर्न है, रिफ्लेक्सेस का एक प्रॉपर पैटर्न है, किस में रिफ्लेक्सेस ज़्यादा होंगे, किस में नॉर्मल होंगे, किस में एग्जरेटेड होंगे, और किस में लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होगा, कहाँ वीकनेस का क्या पैटर्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों ने मुझे बतानी भी है और मैं पूछूंगी भी, सो आप रिलेट कर पाएंगे। सो सबसे पहले बेटे थोड़ी सी यहाँ पे पैथोलॉजी की बात कर लेते हैं, फिर इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मायस्थीनिया ग्रेविस में आपको पता क्या होता है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, एक मस्कुलर रिसेप्टर है, ठीक है, और ये जो है वो हमारी क्या है मेम्ब्रेन है, प्री सेनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये जो है वो क्या है सेनेप्टिक क्लेफ्ट है, और यहाँ पे जो है वो पोस्ट सेनेप्टिक मेम्ब्रेन और उसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं। अब होता ये है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो कि डीपोलराइजेशन की वेव आती है, उसके बाद जो है वो कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, और कैल्शियम जो है यहाँ से क्या करता है, बहुत सारा जो भी एसिटाइल कोलीन है उसकी एक्सोसाइटोसिस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, एसिटाइल कोलीन, ये एसिटाइल कोलीन अपने रिसेप्टर पे लगता है, आगे जो है वो डीपोलराइजेशन की वेव जाती है और मसल्स के अंदर जो है वो क्या शुरू होती है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है। सो अगर हम लोग कहें कि ये नर्व है, ये जंक्शन है और ये मसल है, तो इसको कहते हैं न्यूरोनो मस्कुलर जंक्शन। और ये जो न्यूरोनो मस्कुलर जंक्शन होती है ये बेसिकली किस पे काम कर रही होती है, यहाँ कैल्शियम इन्फ्लक्स पे, एसिटाइल कोलीन के रिलीज पे, और एसिटाइल कोलीन की जो बाइंडिंग होनी है उसके ऊपर बेसिकली ये सारा रिफ्लेक्स चलता है। एसिटाइल कोलीन आता है तभी हमारे पास मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब मायस्थीनिया की अगर हम बात करेंगे तो मायस्थीनिया में ये होता है कि ये जो एसिटाइल कोलीन के लिए रिसेप्टर है ना, इन रिसेप्टर के अगेंस्ट बेसिकली क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है, ठीक है, और ये एंटीबॉडी इन रिसेप्टर्स को क्या करती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। और बहुत कम, अगर फॉर एग्जांपल 6 रिसेप्टर्स थे तो उसमें से क्या होगा कि 60% या 70% तक रिसेप्टर्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, एंटीबॉडी उनके ऊपर जाके बाइंड कर देती है, उनको अनअवेलेबल कर देती है। तो बहुत कम जो हैं रिसेप्टर अवेलेबल होंगे, जब रिसेप्टर कम अवेलेबल होंगे तो एसिटाइल कोलीन की जो बाइंडिंग है वो भी कम होगी, और नर्व से आगे जो मसल को सिग्नल जाना है फॉर कॉन्ट्रैक्शन वो सिग्नल्स भी कम होंगे, इसलिए मसल उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा जितनी की बॉडी की डिमांड है, और मसल बहुत जल्दी फटीग करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सोचा है कि मैं 10 सीढ़ियाँ चढ़ने वाली हूँ, तो जब मैं चढ़ने वाली हूँ, जो मैंने सोचा है वो मेरा सारा सिग्नल जो है वो नर्व्स तक आया, नर्व से आगे मसल तक जाना है, लेकिन अब वो सिग्नल कम है तो 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ के मैं बहुत थक जाऊँगी। सो इनका जो मेन फीचर होता है वो फटीग होता है, इनका मसल बहुत जल्दी फटीग करता है। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर उतने अवेलेबल नहीं हैं जितने होने चाहिए थे। ये मायस्थीनिया का सारे पीछे पैथोफिजियोलॉजी है, आई होप मैंने कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं की है। बेसिक दूसरा जो है लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, ये भी यहाँ थोड़ा सा बताती हूँ फिर डिटेल डिस्कस करते हैं। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में होता है कि ये जो मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे कैल्शियम चैनल जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम इनफ्लक्स होता है तो एसिटाइल कोलीन का ई फ्लक्स होता है, कैल्शियम अंदर आता है तो एसिटाइल कोलीन बाहर जाता है। यहाँ पे एंटीबॉडी जो है वो बनी हुई होती है अगेंस्ट द कैल्शियम चैनल। सो आगे वाली बात जो है वो वही है कि कैल्शियम नहीं है, एसिटाइल कोलीन नहीं है, कुछ डिफरेंसेस ज़रूर हैं, उनको भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। और तीसरा जो है हमारे पास GBS गुलियन बारी सिंड्रोम, इसमें ये होता है कि एक एंटीबॉडी तो है नहीं, टी सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि पेरीफ्रल जो नर्व्स हैं ना उनके ऊपर जो मायलिन है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। सो GBS एक एक्यूट डीमायलिनेटिंग डिसऑर्डर है, किसका, पेरीफ्रल नर्व्स का। तो जो क्रेनियल नर्व का डीमायलिनेटिंग डिजीज़ था वो क्या था, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और वो होता भी क्या था, क्रॉनिक होता था, लेकिन ये एक्यूट है। अब ये तीन मेन सिंड्रोम्स हैं, यहाँ पे जो गन मचाया इसके लिए सॉरी, हम रेज करके इसको नीट करके पढ़ेंगे, लेकिन ये तीन मेन सिंड्रोम हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। सो एक मायस्थीनिया ग्रेविस, जिसमें एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। नंबर टू लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, जिसमें कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। नंबर थ्री इज द GBS, जिसके अंदर बेसिकली डीमायलिनेशन जो है
हम कह सकते हैं डीमाइलिनेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। और अभी तक डस्टर तो नहीं है, तो हम इसे गुजारा चलाएंगे और फिर हम डस्टर भी इंशाल्लाह कल तक मंगवा लेंगे। अब बेटे हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, यानी मायस्थीनिया जो है उसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इस एरिया को साफ़ करते हैं ताकि आपको समझ भी आए कि हम पढ़ ही क्या रहे हैं। सो अब हम जो है वो CNS मेडिसिन का लास्ट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वो है मायस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, अब मैं इसकी पैथो के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मायस्थीनिया की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्या है कि रिसेप्टर के गेज क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं आपकी बुक वाइज की बुक वालों ने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो बुक वाले ये लिखते हैं कि आपका जो मायस्थीनिया ग्रेविस है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा टच देते जाएं पैथोफिजियोलॉजी को, तो मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है, अब जब ये एंटीबॉडी बन जाती है तो इसको हम लोग टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी बन रही है अगेंस्ट बॉडी की जो अंदर रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट, या उसके उस प्रोटीन के अगेंस्ट बने, तो वो टाइप 2 है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके लिए क्लिनिकल फीचर्स हैं कि इसमें क्लिनिकल फीचर होता क्या है। तो क्योंकि नर्व मस्कुलर जंक्शन के ऊपर इशू आ रहा है, जब नर्व से आगे मसल को सिग्नल नहीं जाएगा तो पेशेंट का जो मेन सिम्टम है वो मस्कुलर इशू है। और फीचर होता भी क्या है, मस्कुलर वीकनेस है, फटीग है, बहुत थकावट है। क्योंकि एक डॉक्टर साहब पहले में सारे काम कर लेती थी, अब मैं सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मेरा सांस तो फूलना है नहीं लेकिन मैं बहुत थक जाती हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये वीकनेस जो है ये ज़्यादा होती जाती है जैसे जैसे दिन आगे जाता है। सुबह मैं ठीक होती हूँ लेकिन जैसे जैसे मैं काम करना शुरू करती हूँ तो थकावट ज़्यादा होना शुरू होती है, और मेरी ये जो थकावट है ये रिलीफ हो जाती है जब मैं बैठ जाती हूँ। अब ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं क्योंकि लंबार्ट-ईटन सिंड्रोम में ये दोनों पॉइंट उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम मजीद फीचर की बात करेंगे तो जो आई के एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स हैं वो सबसे पहले जो हैं वो फटीग होते हैं, जिसकी वजह से टॉसिस और डिप्लोपिया, टॉसिस का मतलब होता है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल आई विजन। सो ये आपने याद रखना है कि इसके बेसिकली फर्स्ट या अर्ली प्रेजेंटिंग साइन है। सो अगर कहीं पर भी बता दिया जाए कि जी फटीग और टॉसिस के साथ पेशेंट आ रहा है और डिप्लोपिया के साथ, तो आप फौरन जो है जंप करेंगे टुवर्ड मायस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, अब ये तो हो गए उसके सिम्टम, और अगर हम साइंस की बात करेंगे, दो तीन इंपॉर्टेंट साइंस आपने याद रखने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेटे जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं उनको कोई मसला नहीं होता, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, ये आपने याद रखना है। इसी तरह अगर हम प्यूपिलरी रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो प्यूपिल का भी इतना कोई इशू नहीं है, ये एक मस्कुलर वीकनेस है, सो प्यूपिल इसकी कैटेगरी में लाई नहीं करता, उसको भी कुछ नहीं होगा। अगर हम सेंसरी सेंसेशंस की बात करेंगे तो कोई सेंसरी नर्व जो है वो डैमेज नहीं हुई है, सो सेंसरी सेंसेशंस जो है वो भी बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। और इसी तरह कोई ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन भी नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी क्योंकि सेंसरी नर्व का तो कोई इशू ही नहीं है, तो मस्कुलर इशू है। ठीक है, सो ये बात आपने याद रखनी है। अगर हम एज ग्रुप की बात करेंगे तो फीमेल्स 20-30 के बीच में इफेक्ट होती हैं और मेल्स जो हैं वो 60-70 के बीच में इफेक्ट होते हैं, सो बात भी आपने याद रखनी है। ठीक है, और मोस्टली इसकी एसोसिएशन अगर आप कह दें तो एसोसिएशन हमें मिलती है थाइमिक लिम्फोमा, थाइमिक हाइपरप्लेजिया या थाइमोमा के साथ। और बहुत सारे केसेस में जब मायस्थीनिया डायग्नोज होता है तो उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे ज़रूर करते हैं टू रूल आउट थाइमोमा, और थाइमेक्टमी जो है वो काफ़ी हमें फेवरेबल या अच्छी साबित होती है। ठीक है, सो ये एक आसान सी बात है मायस्थीनिया की पैथोलॉजी के बारे में, उसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। और अब हम उसकी डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर फार्मा आपने अच्छे से की हुई है तो यहाँ पे उस ट्रीटमेंट को ANS स्पेसिफिकली अगर आपने अच्छा किया हुआ है तो ट्रीटमेंट को रिलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सो डायग्नोसिस भी बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्टिंग होती है, मैं आपको फौरन समझा देती हूँ। नंबर वन जो है वो हमारे पास होता है टेंसिलॉन टेस्ट। ये जो टेंसिलॉन टेस्ट है ना, इसमें हम लोग क्या देते हैं, इसमें हम एक शॉर्ट एक्टिंग इनडायरेक्ट शॉर्ट एक्टिंग कॉलिनर्जिक एगनिस्ट दे रहे होते हैं। अब ये जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है, कॉलिनर्जिक एगनिस्ट, और उसमें भी आगे कैटेगरीज होती हैं, उसमें से भी हम शॉर्ट एक्टिंग देते हैं। क्यों शॉर्ट एक्टिंग देते हैं वो मैं समझाती हूँ। और ये एजेंट जो हम देते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एड्रोफोनियम। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं एड्रोफोनियम। ठीक है, अब होता ये है बेटे, इस टेस्ट को आप लोग समझें, इसी के ऊपर आपका सारा ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट भी प्लान भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सो हमने कहा कि यहाँ से हमारे पास क्या है, एसिटाइल कोलीन जो है वो यहाँ पर रिलीज होता है, और ये एसिटाइल कोलीन का रिसेप्टर है, जब भी रिसेप्टर पर लगेगा आगे सिग्नल जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डीपोलराइजेशन एंड देन कॉन्ट्रैक्शन। नॉर्मली इसे एसिटाइल कोलीन को तोड़ने के लिए यहाँ पे कौन मौजूद होता है, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज होता है, जो एसिटाइल कोलीन को एसिटाइल और कोलीन में तोड़ देता है, ठीक है, बहुत जल्दी। अब हमने कहा कि यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो
रिसेप्टर हैं वो रिसेप्टर ज़्यादातर क्या हैं, ऑक्यूपाइड हैं, वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर रिसेप्टर अवेलेबल नहीं है तो एक तरीका हमारे पास ये हो सकता है, एक तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि हम क्या करें कि इस एसिटाइल कोलीन को जो आ रहा है हम टूटने ना दें। जब ये टूटेगा नहीं तो फिर ये होगा कि वो इसी को